So we were discussing about the steps in the weighted average cost of capital. First of all, what you have to do, you have to make the total of all the capital collected by various sources of fund, उसका टोटल करना है. फिर सबका परसेंटेज फाइंड करना है कि टोटल कैपिटल कलेक्ट किया उसका कितना परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर है, टोटल कैपिटल का कितना परसेंटेज इक्विटी शेयर है, टोटल कैपिटल का कितना परसेंटेज डिबेंचर का अमाउंट है, वो परसेंटेज फाइंड करना है. देन थर्ड स्टेप, यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग. अगर दिया है तो रेडीमेड ले लेना है, नहीं दिया है तो ऊपर जो फॉर्मूलाज बताई उससे आपको फाइंड करना है. तो अब आपके पास सबका प्रपोर्शन होगा, कितना परसेंटेज इक्विटी है, कितना परसेंटेज डिबेंचर है, उसको उनकी कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करके उसका टोटल कर देना है. यहाँ पे सारे स्टेप्स बताए हुए हैं, एक एक्सरसाइज से समझते हैं कि हाउ द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड. चलो एक एक्सरसाइज देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ओके, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है. कैपिटल कंपोनेंट कंपनी का रिटेन अर्निंग का अमाउंट है, इक्विटी शेयर से पैसा कलेक्ट किया है, प्रेफरेंस शेयर से पैसा कलेक्ट किया है, डिबेंचर से कलेक्ट किया है, ये सारे सोर्सेस दिए हैं क्वेश्चन में आपको, ये दिया होगा. सबका कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करके दे दिया है, रेडीमेड आपको दे दिया है, रिटेन अर्निंग के आर 10% दे दिया है, के 11% दिया है, केपी 9% है और केडी 6% है. अगर ये नहीं दिया हो तो हमें इसको काउंट करना पड़ेगा, जो आगे हम फॉर्मूला अभी तक पढ़ चुके हैं उससे. पर इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये रेडीमेड दे दिया जाएगा. अब आपको यहाँ पे सबका प्रपोर्शन दिया है कि कितना परसेंटेज है, तो उनका जो टोटल कैपिटल है 100%, उसमें से 25% रिटेन अर्निंग है, 10% इक्विटी शेयर कैपिटल है, 15% प्रेफरेंस शेयर है और 50% लॉन्ग टर्म डेब्ट है. तो इन सबका टोटल अगर आप करोगे तो 100% होगा. ये भी आपको रेडीमेड दे दिया है. अगर ये रेडीमेड नहीं दिया होता तो आपको ये भी फाइन करना पड़ता. हम वो भी एक्सरसाइज देखेंगे कैसे फाइन करना है. अब करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है. जैसे कि के आर इंटू डब्ल्यू आर, के ई इंटू डब्ल्यू ई, के पी इंटू डब्ल्यू पी, के डी इंटू डब्ल्यू डी, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा. ये जो भी आपके आंसर्स आए उसका टोटल कर दो. तो ये जो 7.95% आया है, दैट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इसको वेटेड एवरेज इसलिए बोला जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे वेट्स लिए हैं. ये सिंपल वाला एक्सरसाइज आपको मैंने बताया जिसमें सारी फिगर्स रेडीमेड दिया हुआ था. अब इस एक्सरसाइज को समझो. द कॉस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल ऑफ शिव कंपनी लिमिटेड इज गिवन बिलो अलोंग विद द टारगेट मार्केट प्रपोर्शन. कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग. स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया है फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड बॉक्स में आंसर दिया है. पहले क्वेश्चन समझते हैं. देखो कंपनी के पास चार सोर्सेस है, डिबेंचर, प्रेफरेंस, इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग. उसका अमाउंट दिया है. प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में अमाउंट नहीं दिया था, डायरेक्ट परसेंटेज दे दिया था. तो डिबेंचर से कंपनी ने
240,000 कलेक्ट किया है, प्रेफरेंस शेयर से 80,000 कलेक्ट किया है, इक्विटी से 4 लाख कलेक्ट किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग से कंपनी ने 80,000 कलेक्ट किया, इन सब का टोटल कर देना है आपको, इस सब का टोटल कर देना है। तो इन सब का टोटल हो रहा है 8 लाख रुपीस, टोटल ऑफ ऑल दिस इज 8 लाख रुपीस। अगर आप टोटल करोगे तो 8 लाख रुपीस होगा। तो पहला स्टेप हमारा था, जो भी हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है उसका टोटल करो, फिर उसको 100 एज्यूम कर लो, 8 लाख को हमने 100 एज्यूम कर लिया। अब हमें फाइन करना है प्रपोर्शन। सबसे पहले डेप्ट की बात करते हैं। देखो टोटल कैपिटल 8 लाख है, उसमें डेप्ट 2,40,000 है, तो कितना परसेंटेज हुआ? तो 8 लाख और यहाँ पे 2,40,000 है, आपको उसका परसेंटेज निकालना है। तो आप क्या करोगे, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, तो 30% मिलेगा। उसी तरीके से प्रेफरेंस है, कैसे निकालोगे, 80,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, तो 10% हुआ। इक्विटी कैपिटल 4 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, तो 50%। 80,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, तो 10%। इन शॉर्ट आपको इन फिगर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि अगर 8 लाख को 100 एज्यूम करते हैं तो बाकी के जो अमाउंट है वो कितने परसेंटेज होगी 100 के। तो ये आपको वेटेज मिल गया, इसी को बोलते हैं वेटेज प्रपोर्शन। सभी का आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेडीमेड काउंट करके दे दिया है। डेप्ट का केडी है 5.68, प्रेफरेंस शेयर का केपी है 9.33, इक्विटी का केई है 13.30, केआर रिटेन अर्निंग का है 13%। यहां पे रेडीमेड दे दिया है, अगर नहीं दिया है तो आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उससे आप वो फॉर्मूला यूज करके फाइन कर सकते हो। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको बोला है वेटेड एवरेज कॉस्ट फाइन करो। कैसे करेंगे, सिंपल है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है जो लास्ट वाले दो कॉलम है। तो सोर्सेस ऑफ फंड लिख दिया, उनका अमाउंट लिख दिया, प्रपोर्शन जो दिया है वो हमने लिख दिया। अगर ये प्रपोर्शन नहीं दिया होता तो हम फाइंड करते। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो दिया है वो लिख दिया। अब ये सी और डी को मल्टीप्लाई करोगे आप, सी और डी को। जब आप सी और डी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको WACC मिलेगा, सबका इंडिविजुअली मिलेगा। इन सबका टोटल कर देना है। अगर आप इन सबका टोटल कर देते हो सो यू आर गेटिंग दिस आंसर 10.587 एंड दिस इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो आप लोगों को समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में, एनी डाउट, क्योंकि आने वाला है 6 या तो 10 मार्क्स में। अगर डाउट है तो आप पूछ लो मुझे। एक और एक्सरसाइज देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा आइडिया आ जाए। Taking the data of illustration 11, what would be your opinion if company wants to change weighted average cost of capital approach from book value to market approach? अच्छा, यहाँ पे हमने book value पे count किया था, ये book value है सारी। अब बोला है कि अगर market value को weight लेना हो तो क्या होगा? In market approach, the price of equity share is 250 per share instead of 100 in the book value. तो market price से count करते हैं। अभी हमने बुक वैल्यू से काउंट किया, इन्हीं सोर्सेस का मार्केट में क्या रेट चल रहा है उसके हिसाब से। तो देखो वही सोर्स लिख दिए, डिबेंचर, प्रेफरेंस, इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, सारा लिख देना है आपको। उनका अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया है वो डिबेंचर 2,40,000, प्रेफरेंस शेयर 80,000 क्वेश्चन में दिया था। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल, अब इक्विटी शेयर कैपिटल यहां पे चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल?
क्योंकि अब इक्विटी शेयर का हमें मार्केट प्राइस लेना है, उसका बुक वैल्यू 100 रुपीज था। तो पहले से आपको मैं बता देता हूं, इक्विटी शेयर हमारे पास 4 लाख के हैं। देखो ये रहे क्वेश्चन में, 4 लाख का इक्विटी शेयर है, उसको आप 100 से डिवाइड करो तो इक्विटी शेयर 4000 हो गए। एक इक्विटी शेयर 100 रुपये का, इसे कितने इक्विटी शेयर हो गए तो 4 लाख हुआ, तो 4000 4000 इंटू 100 किया तो ये 4 लाख उनको मिला है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि हमारे पास 4000 इक्विटी शेयर है, हमने 4000 को 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 4 लाख लिखा हुआ है। पर अब हमें मार्केट प्राइस अप्रोच लेना है, तो मार्केट प्राइस अप्रोच में क्या करेंगे, 4000 इंटू 250 कर देना है, क्योंकि मार्केट प्राइस 100 नहीं है, 250 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख। इतना चेंज होगा, डिबेंचर की मार्केट प्राइस नहीं है, प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस नहीं दी है, सो वी हैव टेकन द सेम अमाउंट। अच्छा, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग क्या है, ये कोई सिक्योरिटी नहीं है जो मार्केट में सेल हो, तो इसकी मार्केट प्राइस तो मिलेगा ही नहीं, इसलिए वहां पर डैश रखा हुआ है। रिटेन अर्निंग क्या होता है, जो अर्निंग हुआ होता है, जो प्रॉफिट हुआ होता है, उसमें से कुछ अमाउंट कंपनी अपने पास रिटेन करती है, तो मार्केट में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, मार्केट प्राइस उसका नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे भी कुछ ऑथर का ऐसा ओपिनियन है कि आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी के हिसाब से, इक्विटी की मार्केट प्राइस के हिसाब से काउंट कर सकते हो, बट वी हैव नॉट टेकन दैट। तो यहाँ पे हमारा टोटल कैपिटल हो गया 13,20,000, इसको 100 एज्यूम करो और फाइंड करो आप इसको कि अगर ये 100% है, अगर 13,20,000 100% है तो 2,40,000 कितना होगा, कैसे फाइंड करोगे, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 13,20,000 इंटू 100, तो आपको ये आंसर मिलेगा 18.19। 80,000 डिवाइडेड बाय 13,20,000 इंटू 100, तो 6.06 मिलेगा। 10 लाख डिवाइडेड बाय 13,20,000 इंटू 100, तो 75.75 मिलेगा। तो ये प्रपोर्शन आप फाइंड कर सकते हो, अगर नहीं मिला है तो रेडीमेड। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अच्छा, रिटेन अर्निंग हमें नहीं लेना है क्योंकि उसकी मार्केट प्राइस नहीं होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सी और डी को, सो यू विल गेट दिस अमाउंट। व्हेन यू मेक द टोटल ऑफ ऑल दिस थ्री, यू विल गेट दिस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने बुक वैल्यू की जगह पे मार्केट वैल्यू लिया है शेयर्स का, इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ा अलग आ रहा है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है वो आपको देख लेना है, बुक वैल्यू या तो मार्केट वैल्यू। अब यहां पे एक क्वेश्चन दिया है आपको होमवर्क में, जिसमें आप देख सकते हो आपको डिबेंचर दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर दिया है, इक्विटी शेयर दिया है और रिटेन अर्निंग दिया हुआ है। सबकी अमाउंट दिया हुआ है, इसका 4 लाख है डिबेंचर का, प्रेफरेंस का 2 लाख, इक्विटी का 3 लाख और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है 1 लाख। तो कुल मिला के हमारे पास 10 लाख रुपए का कॉस्ट हो जाता है, 10 लाख रुपए का सोर्सेस ऑफ फंड टोटल कैपिटल बन जाता है। प्रपोर्शन निकाल के ही दे दिया है आपको ऑलरेडी, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्रपोर्शन नहीं दिया तो हम निकाल भी सकते हैं, 40, 20, 30 and 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रेडीमेड दे दिया है लास्ट में, और आपको बोला है फाइंड आउट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको हम करते हैं, हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आप चाहो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस।
मैं थोड़ा इसको लिख लेता हूं ताकि समझाने में आपको दिक्कत ना हो। ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आफ्टर दिस अवर दिस चैप्टर विल गेट ओवर। तो मैंने व्हाइट बोर्ड ले लिया है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले तो देखो हमें क्वेश्चन के अंदर सोर्सेस दिए हुए, सोर्सेस ऑफ फंड दिया हुआ है, बाद में हमको उसका अमाउंट दिया हुआ है, सोर्सेस ऑफ फंड दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है हमको, उसका प्रपोर्शन प्रपोर्शन दिया हुआ है, सबका कॉस्ट दिया हुआ है, जितने भी सोर्सेस है उन सारे सोर्सेस का कॉस्ट हमें दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, और इसके हिसाब से हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करेंगे। एक हाँ फाइंड करना है सोर्सेस ऑफ फंड जो है उसमें आपको डेप्ट दिया हुआ था, डेप्ट के बाद आपको प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ था, प्रेफरेंस शेयर के बाद आपको इक्विटी दिया हुआ था, इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग दिया था। इतने हमको सोर्सेस दिए हुए हैं, ये सारी चीजें हमको प्रोवाइड की गई है। इसके ऊपर से हम इसका टोटल निकाल लेंगे। चलो डिबेंचर की बात करूं मैं, तो डिबेंचर में हमें 4 लाख रुपया दिया है, 4 लाख। प्रेफरेंस की बात करूं तो प्रेफरेंस में हमको 2 लाख रुपया दिया हुआ है। इक्विटी तो इक्विटी हमें 3 लाख रुपीज दिया हुआ है। रिटर्न अर्निंग हमको 1 लाख रुपीज दिया हुआ है। तो ये सारे आपको सोर्सेस दिए हुए हैं। इसका टोटल करेंगे हम तो टोटल इसका 10 लाख रुपीज हो रहा है, 10 लाख रुपीज का टोटल है। परसेंटेज निकालना है तो पहले तो इस 10 लाख को 100% एज्यूम कर लेंगे हम, इसको 100% एज्यूम कर लेंगे। अब सबका इंडिविजुअल नहीं दिया होता तो कैसे निकालते, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो ये आता 40% आ जाता है हमारा, ये 40% आ जाता। 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख तो ये 20% आ जाता। नो डाउट क्वेश्चन में हमें रेडीमेड दिया है, पर अगर नहीं दिया होता तो हम इसको फाइंड करते, तो ये परसेंटेज आपका निकल गया। इसी को हम वेट बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉन एज वेट, इसी को वेटेज बोला जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको के बोला जाता है, सबका अलग अलग होता है। अच्छा डेप्ट का आपको कॉस्ट दिया हुआ है, डेप्ट का कॉस्ट आपको दिया है 9.6, प्रेफरेंस का कॉस्ट आपको दिया हुआ है 10.65, ये सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर आपको इक्विटी का कॉस्ट दिया है 13.15, रिटेन अर्निंग की कॉस्ट आपको दी गई है 12% दिया हुआ है। तो ये सारे आपको कॉस्ट प्रोवाइड किए गए हैं जो परसेंटेज में आपको दिया हुआ है। वेट हमने सारे निकाले, परसेंटेज में निकाले, ये सारी चीजें पहले कर लेंगे। अब करना क्या है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना है। वेटेड एवरेज कॉस्ट के लिए क्या करेंगे हम, W को मल्टीप्लाई कर देंगे K के साथ, W विल बी मल्टीप्लाई विद K, सारे सोर्सेस का W K से मल्टीप्लाई होगा। तो
सभी का इंडिविजुअली हम फाइंड कर लेते हैं, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप लोग भी कर सकते हो। 9.6 इंटू 40 करना है, या तो आप 9.6 का 40% निकाल सकते हैं, तो ये आपका आएगा 3.84, एक ही आ गया। उसी तरह से 10.65 आपको दिया है, तो जो 10.65 दिया है उसका 20% निकाल लो, तो ये आएगा 2.13% निकाल लें आपको। फिर आपको 13.15 दिया है, 13.15 का आप 30% निकाल लो, तो ये आपका आ जाएगा 3.945 आ जाएगा। फिर आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग 12% दिया है, तो उस 12% का 10% निकाल लो, तो 1.2 आएगा वो, दिस विल कम 1.2। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सारी जो भी अमाउंट हमारी आई है उसका टोटल कर देना है। तो क्या करेंगे, 3.84 प्लस 2.13 प्लस 3.945 प्लस 1.2, तो आएगा 11.115 एंड दिस इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आपका WACOC आ गया, ये आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। चलो समझ में आ रहा है आपको, एनी डाउट नाउ? मैंने आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके बताया बुक वैल्यू के हिसाब से, एनी डाउट? ओके, तो सबको समझ में आ चुका है। अब इसी ये जो हमने निकाला है दैट वाज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने निकाल दिया है, अब ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट आपने निकाला है दैट वाज ऑन द बुक वैल्यू, दैट वाज WACOC बेस्ड ऑन बुक वैल्यू। अब इसी क्वेश्चन में आपको इन्होंने बोला था कि मार्केट प्राइस अगर 180 है इक्विटी शेयर की तो कैसे निकालोगे, सारी चीजें सेम रहेगी। अब मैं बुक वैल्यू के बाद अब मैं मार्केट वैल्यू वाला पॉइंट ले रहा हूं, तो ये बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट था। अगर मुझे मार्केट वैल्यू लेना है तो सारा कैलकुलेशन यही रहेगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो डेप्ट और प्रेफरेंस में तो कोई चेंज नहीं होगा। रिटेन अर्निंग जो है तो रिटेन अर्निंग पूरा निकल जाएगा, रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू नहीं होती, तो रिटेन अर्निंग हमें लिखना नहीं है। ओके, रिटेन अर्निंग आपका निकल जाएगा। दूसरी बात क्या है, इक्विटी। तो इक्विटी का जो है वो 3 लाख अब नहीं आएगा। अब इक्विटी के केस में क्या होगा, 3 लाख इक्विटी है तो 3000 होगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 3000 इक्विटी सर, इनको 180 से मल्टीप्लाई करना है तो 5,40,000 रुपये आपका आएगा, 5,40,000 आपका आएगा। तो इसके हिसाब से ये आपकी कॉस्ट भी बदलेगी सारी। रिटर्न अर्निंग यहां पे नहीं आएगा क्योंकि उसकी मार्केट प्राइस होती नहीं है। अब हमारे पास टोटल कैपिटल कितना हो गया, तो देखो 4 और 2 = 6, 11,40,000 हो जाएगा, ये 11,40,000 हो जाएगा।
टोटल कैपिटल बदला, इसको 100 एज्यूम करो, ये परसेंटेज भी अब चेंज हो जाएगा आपके, 40% नहीं आएगा, ये 20 नहीं आएगा। तो मुझे परसेंटेज निकालना है, तो 4 लाख को मैं डिवाइड कर दूंगा 11,40,000 से इंटू 100, तो मेरा 35% आ रहा है, 35, ये 35 आएगा। उसी तरीके से ये 2 लाख को अगर मैं फाइंड करूंगा तो ये 17.5% के आसपास आएगा, 35 का आधा कर दिया है। मैं इसको 18 कर देता हूँ ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, 18 होगा। उसी तरीके से 5,40,000 जो है उसको आप डिवाइड कर दोगे 11,40,000 से इंटू 100, तो ये आपका 47% आ रहा है, 47। अब इसका टोटल करोगे तो 100 ही होगा, 40,50,000। अच्छा, ये 100 हो रहा है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल